दोस्तों, अगर आपको ब्रह्मचर्य नाश करने की लत है, काम वासना के शिकार हो, तो आज की कहानी को सुनकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एक मनुष्य ने शेर का एक बच्चा पाल रखा था। वह बच्चा बहुत छोटा था, पर समय के साथ साथ वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन की बात है कि शेर का बच्चा मालिक के पास जाता है। मालिक उस समय गहरी नींद में होते हैं। शेर का बच्चा मालिक का बायां हाथ चाटने लगता है। चाटते चाटते दांत लग जाने से हाथ का थोड़ा सा खून निकला। अब बच्चा कान टेढ़ा किए खून चाटने लगा। तकलीफ के मारे मालिक जब जाग पड़ा और अपना हाथ हटाना चाहा, हाथ हटाते ही शेर एकदम खड़ा हो गया और जाति स्वभाव अनुसार गुर्रा कर गरज कर उसने हाथ को पंजे के नीचे मजबूती से दबा लिया और फिर रक्त चाटने लगा। मालिक ने सोचा, अरे बाप रे, अब तो मामला बड़ा बेढब है। यदि मैं इसको और प्यार करूं तो यह मुझे एक दिन निश्चित ही फाड़ खाएगा। उसने निश्चय किया और तुरंत संदूक में से पिस्तौल मंगवाई। पिस्तौल मिलते ही रे नमक हराम ऐसा कहकर तत्काल धड़ाके से गोली छोड़कर उसे वही मार डाला। इसीलिए मित्रों, यदि कामरूपी शेर तुम्हारा शोषण करना चाहता है तो तुम भी उसे दृढ़ निश्चय करके फौरन मार डालो। इसी में तुम्हारी भलाई है। जहाँ काम हृदयो धस्यो भयो पुण्य का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। दोस्तों, जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी पुरानी से पुरानी घास को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही अगर किसी मनुष्य के हृदय में काम वास करने लगता है तो ऐसे मनुष्य के पुण्य छीण हो जाते हैं। जैसे अंधे मनुष्य को शीशा दिखाना व्यर्थ है, वैसे ही काम वासना से युक्त मनुष्य को उपदेश करना व्यर्थ है। उल्लू तो केवल दिन में नहीं देख सकता, पर काम वासना से पीड़ित मनुष्य डबल उल्लू होता है, जो ब्रह्मचर्य रूपी अमृत उसके जीवन को सार्थक कर आत्मज्ञान प्राप्त करवा सकता है। उसे ये कामासक्त व्यक्ति विष के समान देखता है, और जो काम विष उसके जीवन का नाश करता है, उसे ये अमृत तुल्य समझ उसी में डूबा रहता है। कहा जाता है, त्रिविदम नरक इसेदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधो स्थालो बस इस्माते ददम त्रय तैजेत। भगवान कहते हैं, नरक के तीन प्रचंड महाद्वार रात दिन खुले हुए हैं। सबसे पहला काम द्वार, जिसमें कि विषय के गुलाम जीवात्माएं खींची और ठूसी जाती हैं और ये यातनाएं प्राप्त करती हैं। दूसरा द्वार क्रोधी पुरुषों के लिए है और तीसरा द्वार लोभियों के लिए है। कामी पुरुष जीते जी नरक का अनुभव करता है और मरने के बाद भी नरक में जाता है। वह जीते जी मुर्दा बन जाता है। सांप के फन के नीचे बैठा हुआ चूहा कब तक छाया का सुख का अनुभव करेगा? मेंढक सांप द्वारा आधा निगल जाने पर भी मूर्ख मेंढक मक्खियों के लिए मुंह खोलता है। वैसे ही कामी पुरुष भी अनेक रोगों से अधमरे होने पर भी काम सुख प्राप्त करने के लिए हाथ पैर फैला ही रहते हैं। जैसे दांत को खुजलाने से वहां कदापि शांति नहीं मिलती, उसे वैसे ही छोड़ देने तथा स्नान व उपवास द्वारा शरीर की सफाई रखने ही से वह शांत हो सकती है, वैसे ही काम के सेवन से काम की शांति कदापि नहीं हो सकती। ऐसा आज तक किसी ने न देखा और न सुना है। सांप को छेड़ने से नहीं, किंतु सांप से दूर रहने ही से हम बच सकते हैं। वैसे ही काम के सेवन से नहीं, किंतु काम से दूर रहने ही से काम की सच्ची शांति हो सकती है। जगत गुरु श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, जो लोग गंदगी से सदा भरे हुए मल मूत्र के स्थानों में रमण करते हैं, ऐसे नरकी जीव क्या नरक से बच सकते हैं? कदापि नहीं। तुम अपने लिए नरक के दरवाजे क्यों खोल रहे हो? जरा सोचो, अगर काम वासना के गुलाम बने रहोगे तो आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे? क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ भोगों के लिए हुआ है, ब्रह्मचर्य नाश के लिए हुआ है? तुम्हें ज्ञात नहीं, पर हमारे और तुम्हारे हजारों जन्म हो चुके हैं, पर इन जन्मों में एक बार भी हमने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया। अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते तो दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। आत्मज्ञान हमें इसीलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि हम काम वासना के गुलाम बने रहे। अगर इस जन्म में भी काम के अधीन रहोगे, ब्रह्मचर्य का नाश करोगे, तो फिर तुम्हें कई प्रकार की योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है, इसे मौज मस्ती में व्यर्थ मत जाने दो। अखंडता से ब्रह्मचर्य को अपनाओ और काम वासना से ऊपर उठने की कोशिश करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है।